पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को घेरते हुए जमकर आलोचना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने अपने शहर प्रवास के दौरान कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीबों की भूमि हड़पने के लिए बिल लाया गया है, जिसे जनता स्वयं नकार देगी। करोड़ों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए में जमशेदपुर में, बोकारो में, रांची में अलग अलग, कभी माइंस का हो रहा है तो कभी इंडस्ट्रीज का हो रहा है, और मुख्यमंत्री का ये बयान कि कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको हमने जमीन दे दिया, ये साबित करता है कि झारखंड में 3-3.5 साल हो गए, एक भी उद्योग नहीं आया। ये हम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अपने का जमीन के सवाल और भूमि अधिग्रहण बिल के सवाल जो है वो नीतिगत सवाल है। जब पार्लियामेंट ने 2013 में लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एक्ट बनाया, जिसको पूरे पार्लियामेंट का सहमति मिला, उस वक्त भाजपा की भी सरकार थी, सुषमा स्वराज वहाँ नेता थी, तो इस तरह के बिल लाने का जिसमें कि आप भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी के खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, ये क्लॉज जोड़ा हुआ है। जो मूलभूत स्वरूप आज के दिन में झारखंड में हुआ है, मैं समझता हूं कि अगली सरकार निश्चित तौर पे हमारी बनेगी। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। शहर में पहली बार 3 दिवसीय राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 24 से 26 जून तक माइकल जॉन प्रेक्षागृह में होने वाले फेस्टिवल में कुल 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त जानकारी गुरुवार को मारवाड़ी युवा मंच द्वारा प्रेस वार्ता बुलाकर दी गई। चंदूलाल भालोटिया स्मृति सभागार यानी माइकल जॉन ऑडिटोरियम जमशेदपुर में होगा, जिसका आयोजन मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन और मारवाड़ी महिला मंच के सहयोग से किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान 6 फिल्में दिखाई जाएगी। फिल्म रोजाना शाम को 4 बजे से शुरू होगी, जो रात में 9 बजे तक दिखाई जाएगी। ये सब राजस्थानी फिल्म, सारी राजस्थानी फिल्म होगी। इसके साथ ही साथ जो है माइकल जॉन ऑडिटोरियम के मैदान में चौकी ढाणी का रेस्टोरेंट लगेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी व्यंजन मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ आयोजन स्थल पर 3 बड़े देवी देवताओं का दरबार बनेगा, जिसमें बाबा श्याम, रानी सती और जीत माता का दरबार होगा। इसमें लोग आएंगे, आरती करेंगे, जोत लेंगे, और फिर उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है। कल्चरल प्रोग्राम है, लाइव डांस परफॉर्मेंस है,